हेलो दोस्तों, इंडियन गैस कनेक्शन का ऑनलाइन से एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र में जाके इंडियन गैस का वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले गूगल में जाता हूँ और गूगल में जाके myLPG.in टाइप करके सर्च करता हूँ। myLPG.in टाइप करके सर्च करते ही आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से जो इंडियन गैस का सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जाके आपको क्लिक करना है। इंडियन गैस का सिलेंडर में क्लिक करते ही आपका सामने इंडियन गैस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं हो रहा है, आपको भी कुछ इस टाइप को दिखने को मिल रहा होगा, दिस साइट कांट बी रीच, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा शो हो रहा है तो आपको सिंपली ऊपर में सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाके आपको टाइप करना होगा इंडियन एलपीजी गैस लॉगिन आपको टाइप करना होगा। और टाइप करके सर्च करते ही आपका सामने एक नया पेज दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला वाला ऑप्शन कस्टमर पोर्टल इंडियन गैस इंडिया ऑयल डॉट इन। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है कस्टमर पोर्टल इंडियन गैस में आपको क्लिक करना है। पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप इंडियन गैस का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हैं इंडियन गैस का होम पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले लॉगिन एंड रजिस्टर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको लॉगिन में क्लिक करते ही देख सकते हैं आपका सामने कस्टमर लॉगिन ये आ चुका है। अभी आपको ये जो नीचे का बॉक्स है, इसमें आपको आपका यूज़र आईडी, चाहे वो मोबाइल हो नंबर हो या चाहे वो ईमेल हो, आपको डाल के आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर कर लेना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ में आपको क्लिक करना होगा और आपको रजिस्टर करना होगा। और आपको रजिस्टर करने का वक्त में आपने जो इंडियन गैस सर्विस में जो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी आपने ऑलरेडी दे के रखा है, जिस मोबाइल नंबर पे या तो ईमेल आईडी पे आपका मैसेज आता है, वही मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको ये बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर या तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के एंटर करके आपको कंटिन्यू में क्लिक करना हो। तो कंटिन्यू में क्लिक करते आप देख सकते हैं एंटर योर पासवर्ड। ये एंटर योर पासवर्ड मतलब आपने रजिस्टर करने का वक्त में जो पासवर्ड बनाया था, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, वही पासवर्ड आपको एंटर योर पासवर्ड का नीचे जो बॉक्स है इसमें आपको एंटर करना होगा, आपको डालना होगा। और पासवर्ड डाल के नीचे रिकैप्चा में जाके आपको आई एम नॉट रोबोट में आपको क्लिक करके उसमें आपको टिक करना है। टिक हो जाने के बाद में आपको सबमिट का बटन में क्लिक करना है। सबमिट का बटन में क्लिक करते आप इंडियन गैस का प्रोफाइल आपका सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम तपन दास, ठीक इसी तरह आपको वेलकम आपका नाम आपको दिखने को मिल जाएगा इस जगह पे। तो आपका नाम का बगल में जाके अभी आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद में माय प्रोफाइल में आपको फिर से क्लिक करना होगा। माय प्रोफाइल में क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप नीचे की ओर आइए। नीचे की ओर आने के बाद में देख सकते हैं आप प्रोफाइल डिटेल्स, आपका नाम, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एड्रेस, ठीक है। तो ये जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, यही एड्रेस है आपका वर्तमान के इंडियन गैस कनेक्शन में एड्रेस। तो अगर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेंज में जाके आपको क्लिक करना है। करेक्शन के लिए आपको चेंज में क्लिक करना है। तो चेंज में क्लिक करते ही आपको एड्रेस चेंज करने का फॉर्म आपका सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे की ओर आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म है, इसमें आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 आपको डालना होगा। और भी आप नीचे में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका पिन नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो नीचे में एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 का जो आपको फॉर्म में दिया गया ऊपर में एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, तो इसमें अगर आपका एड्रेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो आपको ये तीनों में मिला के आपको एंटर करना होगा आपको, ठीक है। अगर आपका एड्रेस छोटा है तो आप पहला वाला जो एड्रेस 1 है इसमें आपका फुल एड्रेस डालना है और नीचे में आप सेम एड्रेस को डाल सकते हैं। अगर सेम एड्रेस डालना नहीं चाहते तो नीचे एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आपका गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस वगैरह आप डाल सकते हैं। और एड्रेस कंप्लीटली डालने के बाद में आपको लैंडमार्क चूज करना होगा। लैंडमार्क चूज करने के बाद में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस टाइप रूरल, अर्बन जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में आपको नीचे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करके आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपका सब डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। अगर सब डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करके भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मैंने चूज कर चुका हूँ। उसके बाद आपको विलेज, सेलेक्ट विलेज में जाना है। और सेलेक्ट विलेज में जाके आपका जो विलेज है सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो विलेज है वो विलेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। विलेज सेलेक्ट हो जाने के बाद में आपका सामने कुछ इस टाइप का पेज दिखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट 1 प्रूफ ऑफ एड्रेस POA। तो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट POA में जाके आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके आपका पास जो भी एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चूज करना होगा। रेशन कार्ड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड, जो भी है यहाँ पे जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें से जो डॉक्यूमेंट आपका पास एड्रेस प्रूफ के लिए है वो डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद में नीचे का जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका उस
डॉक्यूमेंट का नंबर आपको एंटर कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करने के बाद में नीचे देख सकते हैं कि ऐड अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट में जाके अभी आपको क्लिक करना होगा। ऐड अटैचमेंट में क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज ए फाइल। तो अभी आपने जो एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चूज किया था उस डॉक्यूमेंट अभी आपको यहाँ पे चूज ए फाइल में जाके अपलोड करना होगा। इसमें क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को आपका डिवाइस से अपलोड करके इसको सबमिट करना होगा। तो देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद में आपको सेव का बटन में क्लिक करना है। तो सेव का बटन में क्लिक करते ही ये जो डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपका फाइनल सबमिट के लिए सबमिट का बटन में क्लिक करना होगा और सबमिट का बटन में क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होते ही देख सकते हैं कन्फर्मेशन योर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस चेंज अपडेट इज, और आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, कन्फर्मेशन नंबर आपको दिया गया है। आपने जो सर्विस रिक्वेस्ट एड्रेस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन भेजा है, सर्विस रिक्वेस्ट किया वो सक्सेस हो चुका है और आपको ये नंबर दिया गया और आपका एड्रेस जल्दी ही अपडेट किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। और आपका गैस कनेक्शन में आपका एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं, अपडेट हुआ कि नहीं, वो आप आपका प्रोफाइल लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। और अपडेट हो जाने के बाद में आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा।